तो प्रॉब्लम में बोल रखा है फॉर ए गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टू वेरिएबल कोर्स पी क्यू एंड आर एस एट राइट एंगल्स आर ड्रोन थ्रू दी फिक्स पॉइंट एक्स वन वाई वन इनसाइड दी पैराबोला मेकिंग वेरिएबल एंगल थीटा एंड फाइव विद एक्स एक्सिस इफ आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर द डिस्टेंसेज ऑफ पी क्यू आर एस फ्रॉम दी ए। सो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो ये अपने पास एक पैराबोला है, यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वन कोमा वाई वन, यहाँ से अपन ने दो वेरिएबल कोड निकाली, एक ये एंड एक ये। इस कोड को अपन यहाँ पे पी क्यू बोल रहे हैं, इस कोड को अपन यहाँ पे आर एस बोल रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डिस्टेंसेज ऑफ पी क्यू आर एस फ्रॉम दी ए, सो ये इसको आर वन बोल देते हैं, इसको आर टू बोल देते हैं, इसको आर थ्री बोल देते हैं, और इसको आर फोर बोल देते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर पी की डिस्टेंस ए से आर वन दे रखी है, क्यू की डिस्टेंस पी ए से आर टू दे रखी है इस तरीके से। और अब अपन को यहाँ पे बताना है वन डिवाइडेड बाय आर वन आर टू प्लस वन डिवाइडेड बाय आर थ्री आर फोर। सो बेसिकली यहाँ पे अपन वो दे रखा है कि इसकी जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ थीटा और इसका फाई है, सो इसकी स्लोप यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगी। और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसकी इक्वेशन को, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट किस तरीके से हो जाएगा, एक्स अगर मुझे कोई देखना हो तो एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से होने के बाद अगर अपन देखे तो ये P एंड Q पॉइंट ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वाई वन प्लस आर साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 4a टाइम्स एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। सो अब अगर अपन इसको ओपन करें तो ये वाई वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आर वाई वन साइन थीटा इज इक्वल टू 4a एक्स वन प्लस 4a आर कॉस थीटा, इस तरीके से आ रहा है ये। सो यहाँ पे आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पे इसको एक तरफ लेके आता हूँ, सो टू वाई वन साइन थीटा माइनस 4a कॉस थीटा टाइम्स आर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट निकालता हूँ मैं आर वन आर टू का, सो इसका जो प्रोडक्ट वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका कोफिशियंट, इस तरीके से। और सेम ही अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सेम ही प्रोसेस है यहाँ पर आर एस के लिए। सो उस केस में वो फाई एंगल बना रही है तो वही बेसिकली आर थ्री आर फोर आएगा उस केस में, और वो माइनस ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस ऑफ 4a एक्स वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा इस तरीके से। तो अब अगर अपन देखें तो वन बाय आर वन आर टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन, एंड यहाँ से वन डिवाइडेड बाय आर थ्री आर फोर देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर फाई एंड डिवाइडेड बाय वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन। और अपन को दे रखा है फाई मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, सो ये परपेंडिकुलर है ये दोनों, सो यहाँ पे एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री का होगा। तो मैं बोल देता हूँ फाई को यहाँ पर 90 प्लस थीटा, सो यहाँ पर अगर चेक करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर अपन इन दोनों को एड कर दें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा एंड इतना आ जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो कि ये थीटा एंड फाई से इंडिपेंडेंट आ रहा है। सो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट, इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा था फिक्स्ड पॉइंट, सो फिक्स्ड पॉइंट है इसका मतलब एक्स वन एंड वाई वन यहाँ पे फिक्स है इस तरीके से। सो अपना जो ये आया था वो क्या आया था, माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन, तो ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।